हे दोस्तों, आपको पता होगा कि Xiaomi का Redmi Note 5 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये स्मार्टफोन Redmi का Note 4 का अपग्रेड वर्जन है। दोस्तों, मैं आपको आज के इस वीडियो एपिसोड में बताऊंगा कि मुझे क्या क्या इशू इस स्मार्टफोन में देखने को मिला। मैं लगभग यहाँ पर 15 दिन से ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या कमी इस फ़ोन में लगा, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अभी यहां पर 10,000 के रेंज में जो भी फोन है इंडिया में अवेलेबल, मेरे ख्याल से Redmi Note 5 ही सबसे ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है अभी 10,000 के रेंज में। मैं अगर इसे यूज कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी हर फोन में हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इस कमी को Xiaomi चाहता तो जरूर यहाँ पर पूरा कर सकता था। मैं दोस्तों अभी शेयर करूंगा 5 ऐसा कमी इस फोन के साथ जो कि यहाँ पर Xiaomi पूरा कर सकता था। Xiaomi जो नंबर 1 बना है इंडिया में सिर्फ इसी कारण कि वो जो वैल्यू फॉर मनी देते हैं अपने ग्राहक को, और यहाँ पर जो देता है Xiaomi वो कोई नहीं दे सकता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर और उम्मीद कर रहा था Redmi Note 5 से। Redmi Note 4 में काफ़ी ज़्यादा ठीक था, लेकिन उससे थोड़ा सा और यहाँ पर मुझे उम्मीद था कि Redmi Note 5 में थोड़ा सा जो कमी रह गया था Redmi Note 4 में वो हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे 5 पॉइंट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, Xiaomi Redmi Note 5 में जो पहला यहाँ पर जो कमी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमी खल रहा है, वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट का। अगर यहाँ पर Xiaomi डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट देता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर 3 GB रैम अगर 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला यहाँ पर डिवाइस खरीदेंगे 10,000 के रेंज में, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर जो डिवाइस में होगा SD कार्ड लगाने का ज़रूरत पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी 32 GB का जो वैल्यू है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, दिन ब दिन आपका यूज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर Xiaomi एक यहाँ पर SD कार्ड का स्लॉट दे देता अलग से, तो हम यहाँ पर 2 SIM कार्ड और एक SD कार्ड आसानी से यूज़ कर पाते, जो कि काफ़ी अच्छा होता। दोस्तों, आप यहाँ पर इसका 64 GB वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस यहाँ पर 12,000 हो जाता है। तो दोस्तों, आप वो क्यों लें, आप Redmi Note 5 Pro क्यों नहीं लें? दोस्तों, यही कारण है कि लोग यहाँ पर Redmi Note 5 लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 3 GB और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला ही लेगा। तो उसमें आपको यहाँ पर फिर से हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जो कि मुझे यहाँ पर कमी दिखता हुआ लग रहा है इस फोन के साथ। अगर यहाँ पर Xiaomi हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं देकर एक SD कार्ड का भी स्लॉट अलग से दे देता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। Xiaomi ऐसा करता आया है और ये कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये कमी रह गया इस फोन के साथ। उससे पहले दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको क्या 32 GB काफ़ी हो जाता है एक स्मार्टफोन में, या आपको 64 GB चाहिए, या उससे ज़्यादा आपको चाहिए स्टोरेज? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है इस फोन के साथ, वो प्रॉब्लम है अभी भी कैमरा का। जी हाँ दोस्तों, कैमरा का प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको पता होगा कि Xiaomi का Redmi Note 3, Note 4 में काफ़ी बेकार सा कैमरा दिया गया था, और इसी मामले में Xiaomi के जो स्मार्टफोन होते हैं ये बजट कैटेगरी के, ये बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। और अभी भी यहाँ पर Redmi Note 5 में वैसा कैमरा नहीं दिया गया है। हाँ दोस्तों, Redmi Note 4 से आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूव मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर से वही काम हो गया। अगर आप यहाँ पर लो लाइटिंग फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉइज़ आ जाता है, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अभी जो ट्रेंड चला हुआ है पोर्ट्रेट मोड का, वो भी आपको इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपको डुअल कैमरा नहीं मिलता है। इसमें आपको 12 MP का सिंगल कैमरा दिया गया है पीछे के साइड में, और आगे में आपको 5 MP का मिलता है। एक सेल्फी, यहाँ पर सेल्फी जो कैमरा है इसमें आपको फ्लैश लाइट मिलता है, लेकिन दोस्तों वो किसी काम का नहीं है। आप उसे यूज करेंगे तो वो सॉफ्ट लाइट है, हल्का सा यहाँ पर आपको जो लाइट है इफेक्ट मिलेगा अपने फोटो पर, ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल नहीं दिया गया है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों, दिन में आप अच्छा खासा फोटो क्लिक कर पाएंगे। मुझे दोस्तों ये कमी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खल रहा है Redmi Note 5 में। अगर आप भी इस पॉइंट से सहमत है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। अब दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो है ओल्ड प्रोसेसर। और दोस्तों, MIUI 9 में आपको एंड्रॉयड नोगट मिलता है। दोस्तों, इस ज़माने में जो Xiaomi करता है वो कोई भी स्मार्टफोन कंपनी नहीं कर पाता है। जैसे कि आप Redmi Note 5 Pro देखेंगे, नया यहाँ पर प्रोसेसर लेके आया, अगर यहाँ पर 630 भी यहाँ पर Redmi Note 5 में दे देता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेसर काफ़ी मतलब बेकार है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, टेस्टेड प्रोसेसर है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अभी यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है
नया कुछ करने का। Xiaomi यहाँ पर 630 दे सकता था इस फोन के साथ, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 625 ही दिया है, जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कमी दिख रहा है। दोस्तों आपको इसमें एंड्रॉयड नौगट मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर सारे बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनी यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो दे रहा है और Xiaomi अभी यहाँ पर एंड्रॉयड नौगट में ही अटका हुआ है। MIUI अपडेट तो आपको मिलेगा, लेकिन एंड्रॉयड N के बाद O कब आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। ये भी कमी काफ़ी मतलब खलेगा आपको इस फोन के साथ। अगर आप भी सहमत हैं तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं। एक और कमी हमें इस फोन के साथ दिख रहा है, वो है माइक्रो USB। दोस्तों अभी यहाँ पर Xiaomi अगर यहाँ पर एक माइक्रो USB के जगह टाइप सी USB दे देता चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो सकता था, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Redmi Note 5 में फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, और दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर टाइप सी दे देता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों अगर आप भी ये चाहते थे तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। अब जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ये मैं ये प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने इसे लिस्ट में जरूर शामिल किया है। दोस्तों इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन इसके साथ जो आपको चार्जर मिलेगा वो एक स्लो चार्जर है। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो लगभग आपको 3 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज करने में इस चार्जर से। अगर यहाँ पर Xiaomi अपना एक फास्ट चार्जर इसके साथ दे देता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। ये भी कमी हमें इस फ़ोन के साथ लगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर बाहर का चार्जर खरीद कर, यहाँ पर जो फास्ट चार्जर आते हैं वो खरीद कर इसे आप फास्ट तरीके से चार्ज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर Xiaomi अपने साथ यहाँ पर फास्ट चार्जर दे सकता था, और यहाँ पर कोई भी ऑफिशियली नहीं बताया कि ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मुझे Redmi Note 5 में मुझे ये 5 कमी लगा। अगर आपको भी ये कमी दिखता है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों लेंगे Redmi Note 5, कुछ आपको इसका जो अच्छा बात है वो बताऊंगा। तो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सारे कमी को यहाँ पर दूर किया जा सकता था Xiaomi के तरफ से, लेकिन जो भी है अभी यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 5 10,000 के रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।